अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्लीव डिज़ाइन की वीडियो शेयर करूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी मेरी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो वीडियो स्टार्ट लेते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बाजू लिया है। बाजू को आपने इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगा लेनी है फ्रंट से। तो मैं आपको जैसे बुटीक के बाजू होते हैं वैसे मैं आपको आज सिखाती हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं और इसकी लंबाई इस बाजू जितनी। यहाँ से आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पर रख के यहाँ ऊपर से सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ ऊपर हमने प्रेस करना है, फिर इसको इस तरह करके ये सफाई दे देनी है और ये बैक साइड से यहाँ से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। और ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए बाजू की आपने नॉर्मल जैसे कटिंग होती है वैसे ही करनी है। ये कपड़ा मैंने ले लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 12 इंच मैंने ली है। यहाँ फ्रंट से हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करके इस साइड से भी और इस साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। ये स्लीव को उल्टा के रख लिया है। अब ये जो कपड़ा है इसको हमने सीधा रखना है और ये बिल्कुल मिड में इस तरह रख के यहाँ से हमने थोड़ा सा गैप छोड़ देना है और यहाँ यहाँ मिड में पहले एक सिलाई लगानी है, फिर यहाँ किनारे पे और यहाँ दूसरे किनारे पे भी। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब यहाँ से आपने इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब हम यहाँ से डोरी को डालेंगे इस तरह। आप डोरी को हेयर पिन से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ से आपने इसको इस तरह निकाल लेना है। ये आप देखें, यहाँ से मैंने सिलाई लगा के इसको बंद नहीं किया था। अब यहाँ से मैं इसको इस साइड पे ले आऊँगी और डोरी भी डल जाएगी। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने डोरी डाल ली है और ये जो डोरी थी आपने एक ही लेनी है और इधर से इसको आपने घुसाना है और इधर से ला के आपने इसको इधर से निकाल लेना है। और इस डोरी की लेंथ 38 थी। डोरी आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो बनी हुई आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। अब यहाँ से बाजू की जो है यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये बाजू की फाइनल लुक।